नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.2 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका भाग नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं, 4u² + 8u। तो इसको तो बड़े आराम से हो जाएगा। देखो, इन दोनों में से यदि आप ध्यान से देखें तो एक तो 4 कॉमन आ सकता है, ठीक है, और ये जैसे आप पिछले भागों में करते हैं वैसा नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें दोनों में से 4 कॉमन आ सकता है और दूसरा यहां भी u है, यहां भी u है, तो एक u कॉमन आ सकता है। 4u² में से 4 बाहर चला गया, u² में से 1u बाहर चल गया, बाकी बच गया 1u प्लस 8u। इसमें से u तो बाहर चला गया है, बाकी रह गया 8। 8 को 4 से भाग किया तो आ गया 2। तो ये यहीं पर इसका भाज्य, इसका गुणन खंडन हो गया, जो हम पहले इतने लंबे स्टेप्स में करते थे वो यही इसका गुणन खंडन हो गया है। अब हमें क्या करना है, जैसे पिछले में दो ब्रैकेट्स को जीरो के बराबर रखते थे वैसे ही हमें इसको भी जीरो के बराबर रखना है। तो ये है 4u = 0 या u + 2 = 0। यहां u और 4 एक जैसे, इनको ध्यान से पढ़िएगा। जो यहां से u किसके बराबर आ गया, 0, 4 इधर गुना हो रहा है उधर जाके हो जाएगा भाग। यहां से u किसके बराबर आ गया, 0, 2 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके हो गया माइनस। 0 को 4 से भाग किया तो आ गया 0 और यहां से u आ गया -2। तो ये हमारे पास ये u है, ये हमारे पास दो शून्य आ गए। अब हमें करनी है शून्य को और गुणांकों के सत्यता की जांच। शून्य को और गुणांकों में संबंध तो इसके लिए जैसे हम पहले करते आए हैं, शून्यकों का योग उसका फार्मूला था -b/a। ये फार्मूला याद होना जरूरी है। अब बच्चों एक चीज ध्यान से देखना, आप बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। हमारे पास जो बहुपद है वो है 4u² + 8u। इसके साथ बिना एक्स वाई जेड वाली, जो ax² + bx + c, बिना एक्स वाई जेड वाली रकम नहीं है, तो वो रकम हम अपने आप से मानेंगे कि वो होगी 0 के बराबर और इसे हम मिलाएंगे ax² + bx + c के साथ। तो आप ध्यान से देखना, x² u² के साथ क्या है, a और 4, तो a बराबर है 4 के, b बराबर है x के साथ है b, u के बराबर है, u के साथ है 8, तो b बराबर है 8 के, c और 0, तो c बराबर है 0 के। ये हमारा रफ वर्क है, इससे हमें ए बी सी की वैल्यूज पता लगती हैं। तो शून्य को का योग था -b/a। -b, पहले तो ये माइनस लगाया मैंने क्योंकि ये फार्मूला में माइनस है। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी आई है, 8/a, ए की वैल्यू है 4, तो 4 को जब 8 से काटा 2, तो ये आ गया -2। अब मैं वैसे ही शून्य को गुना करके देखता हूं, जमा करके देखता हूं। पहला शून्य था 0, इसमें प्लस करता हूं दूसरा शून्य को -2, प्लस माइनस माइनस 0 - 2 आ गया -2। तो आप देख रहे हैं यहां भी शून्य को का योग -2 और यहां भी, तो ये तो एक संबंध हो गया। अब करते हैं गुणन, शून्य को का गुणनफल। इसका फार्मूला था c/a, तो c यहां है 0/a है, a है 4, तो 0 को 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0। और वैसे शून्य को गुणनफल करें, पहला शून्य था 0 गुना दूसरा शून्य था -2, तो किसी भी नंबर को 0 से गुना करेंगे तो वो भी आएगा 0। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारा एक गुणनफल 0 है, यहां से भी गुणनफल 0 है, सेम आए हैं, ठीक है। अतः अब हम क्या लिखेंगे, अतः गुणांकों और शून्यकों के संबंध
कि ये सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, सत्यता स्थापित हुई। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा एक तरीका था। इसका हम एक फटाफट से पांचवा भाग भी देख लेते हैं, बाकी के भाग आप खुद से ट्राई करना। इसका पांचवा भाग देख लो, यह टी स्क्वेयर माइनस पंद्रह को मैं लिख सकता हूं टी का स्क्वेयर माइनस पंद्रह को मैं लिख रहा हूं रूट पंद्रह का स्क्वेयर, क्योंकि रूट पंद्रह का स्क्वेयर पंद्रह ही होता है। अब मेरे पास यदि आप ध्यान से देखें तो ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फार्मूला जो होता है वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, तो टी स्क्वेयर माइनस रूट पंद्रह का होल स्क्वेयर भी किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी। ए है टी प्लस बी है ये वाला रूट पंद्रह, और ऐसे ही ए माइनस बी। ठीक है, टी को ए माना, रूट पंद्रह को बी माना, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन दोनों ब्रैकेट्स को, अब ये इसका गुणनखंडन तो हो गया, इन दोनों ब्रैकेट्स को जीरो के बराबर रखो। तो टी यहां से कितना आ गया, रूट पंद्रह इधर प्लस हो रहा, उधर आगे हो जाएगा माइनस, तो टी बराबर माइनस रूट पंद्रह। यहां रूट पंद्रह इधर माइनस हो रहा, उधर आगे हो जाएगा प्लस। ये हमारे पास दो टी की वैल्यूज आ गई, यानी कि शून्य का आ गए। अब हमें देखना है शून्य को और गुणांकों में संबंध, शून्य को और गुना, सभी क्वेश्चंस में सेम स्टेप्स हैं, सेम स्टेप्स हैं, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, बस आपको इनको समझना है। इसीलिए मैं बार बार आपको बहुत सारे स्टेप्स करवा रहा हूं, उदाहरण करवा रहा हूं। अब सबसे पहले हम यहाँ का करते हैं, आप खुद से याद करो। सबसे पहले हम यहाँ करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग किसके बराबर है, माइनस बी बटा ए के। अब ये जो हमारा बहुपद था टी स्क्वेयर माइनस पंद्रह, इसको मैं लिख सकता हूं टी स्क्वेयर प्लस जीरो टी माइनस पंद्रह, क्योंकि टी वाली रकम नहीं है तो मैं मान लेता हूं जीरो है। और इसको जब मैं मिलाऊंगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो अपने आप ही आपको दिख रहा है ए किसके बराबर आ जाएगा, टी स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं है तो वन है, ए आ गया वन के बराबर। एक्स के साथ बी, टी के साथ जीरो, तो बी आ गया जीरो, और सी यहां से आ गया माइनस पंद्रह। हर बार की तरह ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, अब हम ध्यान से देखें माइनस बी बटा ए, माइनस बी माइनस के साथ बी है जीरो बटा ए कितना है वन, तो किसी भी नंबर को जीरो को किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा जीरो। इसका मतलब शून्य को का योग आ गया जीरो। और उधर से देख लेते हैं, शून्य थे माइनस रूट पंद्रह, दूसरा शून्य क्या है प्लस रूट पंद्रह, दोनों को जब प्लस करेंगे तो प्लस रूट पंद्रह में से रूट पंद्रह माइनस हो जाएगा तो उत्तर आ जाएगा जीरो। हम देख पा रहे हैं यहां पर जो शून्यकों का योग है वो सेम आया है। अब हम निकालेंगे क्या, शून्यकों का, बोलो बच्चों, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का फार्मूला है सी बटा ए। सी कितना है हमारे पास माइनस पंद्रह बटा ए कितना है वन, माइनस पंद्रह को एक से भाग करा तो आ गया माइनस पंद्रह। और वैसे यदि हम दोनों गुणन दोनों शून्यकों को गुना करें, एक शून्य है माइनस रूट पंद्रह, दूसरा शून्य है रूट पंद्रह, तो देखो माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, रूट पंद्रह इंटू रूट पंद्रह हो जाएगा पंद्रह, रूट दो इंटू रूट दो दो होता है, रूट पंद्रह इंटू रूट पंद्रह हो जाएगा पंद्रह। तो यहां देखो ये भी आया है माइनस पंद्रह, ये भी आया माइनस पंद्रह, यानी गुणनफल यहां भी माइनस पंद्रह है और यहां भी माइनस पंद्रह है। तो शून्य को का योग भी सेम आया है और गुणनफल भी सेम आया है, तो अतः शून्य को और गुणांकों के संबंध की सत्यता स्थापित हुई। तो
तो ये बच्चों मैंने आपको कुछ भाग करवा दिए हैं, बाकी जो इस क्वेश्चन के भाग रह गए वो बच्चों आप खुद ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।